नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वाईफाई श्रीराम में। तो आज मैं लेके आया हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है पासा। अब दोस्तों सबसे पहले मैं पासा के बारे में बताता हूँ कि पासा होता क्या है। पासा के अंदर 6 फलक होती है और 8 कोने होते हैं। अब 6 फलक और 8 कोने कैसे होते हैं, जैसे मैं समझाता हूँ। ये जो डस्टर है ये पासे की आकृति का है। अब इसमें 6 फलक कौन कौन सी होती है, पहली फलक, इसके विपरीत दूसरी फलक, तीसरी फलक, इसके विपरीत चौथी फलक, और ये पांचवी फलक, इसके विपरीत छठी फलक। तो 6 फलक हो गई और 8 कोने होते हैं। 8 कोने कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 4 कोने ऊपर और 4 ही कोने नीचे। इसका मतलब कितने कोने हो गए, 8 कोने हो गए। अब आते हैं पासे के ऊपर। जो पासा होता है वो दो प्रकार का होता है। पासा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है खुला पासा, जिसको बोला जाता है ओपन डाइस, और एक है बंद पासा, जिसको बोला जाता है क्लोज डाइस। अब दोस्तों खुले पासा और बंद पासे में क्या अंतर होता है वो बताता हूं। जो खुला पासा होता है उसके अंदर 6 फलक जो होती है वो स्पष्ट नजर आती है। जो खुला पासा होता है उसके अंदर 6 फलक स्पष्ट नजर आती है। जैसे क्या, इसमें 6 फलक स्पष्ट नजर आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो पासा होता है उस पर 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी होती है। इसका मतलब उसमें 6 फलक होती है। तो क्या यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं नजर आ रही है। ये जो आकृति होती है किसकी आकृति होती है, खुले पासे की आकृति होती है। जैसे एक आकृति और बताता हूं, ये वाली जो आकृति है वो किसकी आकृति है, खुले पासे की। अब देखो खुले पासे के अंदर क्या रूल होता है, जो पहले और तीसरे स्थान पर संख्या बैठी होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। जो पहले और दूसरे स्थान पर संख्या बैठी होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। तो 1 के विपरीत कौन हो गया, 3। 2 के विपरीत क्या हो गया, 4। 2 के विपरीत क्या हो गया, 4। अब बची कौन सी संख्या, 5 और 6। इसका मतलब 5 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। 5 के विपरीत 6 हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों याद रखना, पहले और तीसरे स्थान पर जो संख्या बैठी होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इसका मतलब 1 के विपरीत क्या हो गया, 3। 2 के विपरीत क्या हो गया, 4। और 5 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, पहले और तीसरे स्थान पर जो संख्या बैठी है वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसका मतलब 1 के विपरीत क्या हो गया, 3। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। और 4 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। तो पहले और तीसरे स्थान पर जो संख्या बैठी होगी वो एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ पर 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5, और 4 के विपरीत क्या हो गया, 6। 1 के विपरीत क्या हो गया, 3। 2 के विपरीत क्या हो गया, 5। और 4 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। तो जब भी 6 फलक स्पष्ट नजर आती है इसका मतलब कौन सा पासा है, वो खुला पासा है। अब खुले पासे में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, जैसे कि ये वाली आकृति बनाकर दी। अब इस आकृति के आधार पर मुझे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये जो आकृति बना के दी है इसके आधार पर मुझे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी और डी। अब मैं 4 ऑप्शन बना रहा हूं, उसमें से मुझे चेक करना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और लास्ट ऑप्शन है। यहां पर 4 ऑप्शन है, अब इसमें मैं संख्याएं लिख रहा हूं। ये 4 ऑप्शन है। अब ये खुले पासे की स्थिति दे रखी थी, इसके आधार पर मैंने क्या निष्कर्ष निकाला कि 1 के विपरीत क्या आएगा, 3। 2 के विपरीत क्या आएगा, 5। और 4 के विपरीत क्या आएगा, 6। तो ये फिक्स हो गए। इसका मतलब कि 1 के विपरीत हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा, इस पासे के अकॉर्डिंग, इस स्थिति के अकॉर्डिंग। 2 के विपरीत क्या आएगा, 5। और 4 के विपरीत क्या आएगा, 6। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, अगर 1 के विपरीत 3 आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि वो पास में तो नहीं आ सकता। अगर 1 के विपरीत 3 है इसका मतलब 1 के पीछे ही 3 आएगा, वो पास वाली फलक पर नहीं आ सकता। तो क्या 3 यहाँ पर आ रहा है,
तो यहाँ पर आना चाहिए इसे, नहीं आना चाहिए। अगर एक यहाँ लिखा हुआ है तो तीन इसके पीछे ही आएगा, ना तो इस फलक पर आ सकता है और ना ही इस फलक पर आ सकता है, तो ये आकृति गलत हो गई। दूसरी वाली आकृति को चेक करता हूँ, दो के विपरीत क्या है, पांच। इसका मतलब दो यहाँ लिखा हुआ है तो पांच यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, तो पांच आएगा कहाँ, दो के विपरीत आएगा, इसका मतलब पीछे की साइड आएगा, तो पांच यहाँ पर दे रखा है इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरी आकृति के ऊपर आता हूँ, एक के विपरीत क्या है, तीन। तो एक के विपरीत तीन है तो तीन यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, क्या तीन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे चेक करता हूँ, दो के विपरीत क्या है, पांच। तो दो यहाँ लिखा हुआ है तो पांच यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, क्या पांच आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। चार के विपरीत क्या है, छः। चार यहाँ लिखा हुआ है तो छः यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, इसका मतलब कि यहाँ तक ये ठीक है। तो ये आकृति अब मेरी तीनों कंडीशन में सही हो रही है, इसका मतलब ये आकृति सही है। लास्ट वाली आकृति को चेक करता हूँ, चार के विपरीत क्या है, छः। तो चार यहाँ लिखा हुआ है तो छः यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, क्या छः यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो खुले पासे की आकृति ऐसी बनाकर देगा, उसमें मुझे ये निष्कर्ष निकालना है कि किस संख्या के विपरीत कौन सी संख्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर चार ऑप्शन बना के देगा, उनमें से मुझे चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। अब ये वाली बात दोनों साइड से सही है कि एक के विपरीत क्या है, तीन। तो तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, एक। दो के विपरीत पाँच है तो पाँच के विपरीत दो, और चार के विपरीत छः है तो छः के विपरीत चार है। तो ये होती है खुले पासे की स्थिति। अब आते हैं बंद पासे के ऊपर। दोस्तों जो बंद पासा होता है उसमें तीन फलक स्पष्ट नजर आती है, कितनी फलक, तीन फलक। खुला पासा होता है उसके अंदर कितनी फलक स्पष्ट नजर आती है, छः। और जो बंद पासा होता है उसके अंदर तीन फलक स्पष्ट नजर आती है, जैसे एक दो तीन, इसमें तीन फलक नजर आ रही है, तीन फलक नजर आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, बंद पासा। अब बंद पासे के अंदर भी दो कैटेगरी है, पहला पासा होता है सामान्य पासा और दूसरा पासा होता है मानक पासा। पहला पासा है सामान्य पासा और दूसरा पासा है मानक पासा। अब सामान्य पासा और मानक पासा में क्या अंतर होता है, जो सामान्य पासा होता है उसमें पास वाली दो फलक का योग क्या होता है, सात होता है। जो सामान्य पासा होता है उसमें पास वाली दो फलक का योग सात होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल बना के बता रहा हूँ, दो पाँच चार, क्या इसमें इन दो फलक का योग सात हो रहा है, तो किन्हीं भी दो फलक का योग यदि सात हो जाता है तो वो कौन सा पासा कहलाता है, सामान्य पासा। जैसे एक एग्जाम्पल और देखो इधर, चार तीन दो, क्या इन दो फलक का योग सात हो रहा है, यहां पर इन दो फलक का योग सात हो रहा था, यहां पर इन दो फलक का योग सात हो रहा है, तो किन्हीं भी पास वाली दो फलक का योग यदि सात हो जाता है तो कौन सा पासा कहलाएगा, सामान्य पासा। अब वो दो फलक ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, तो किन्हीं भी पास वाली दो फलक का योग यदि सात हो गया तो वो कौन सा पासा कहलाएगा, सामान्य पासा। अब आते हैं मानक पासे के ऊपर। मानक पासा जो होता है उसमें पास वाली दो फलक का योग सात नहीं होता है। जो मानक पासा होता है उसमें पास वाली दो फलक का योग सात नहीं होता है, उसमें विपरीत फलक का योग सात होता है। विपरीत फलक का योग क्या होता है, सात। इसका मतलब अगर एक लिखा हुआ है तो उसके विपरीत कौन सा होगा, छः होगा। तो एक प्लस छः का मान कितना हो गया, सात। दो प्लस पाँच का मान कितना हो गया, सात। और तीन प्लस चार का मान कितना हो गया, सात। इसका मतलब ये होता है, मानक पासे के अंदर फिक्स होता है कि एक के विपरीत हमेशा क्या आएगा, छः आएगा। दो के विपरीत हमेशा क्या आएगा, पाँच आएगा। और तीन के विपरीत हमेशा क्या आएगा, चार आएगा। ये मानक पासे के अंदर फिक्स होता है कि एक के विपरीत छः, दो के विपरीत पाँच और तीन के विपरीत चार आएगा। लेकिन मानक पासे की कंडीशन याद रखना कि मानक पासे के अंदर पास वाले किन्हीं भी दो फलक का योग सात नहीं होता है। अगर योग सात हो जाएगा तो कौन सा पासा कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। अब मानक पासे के अंदर क्या किन्हीं भी दो फलक का योग सात हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। और फिर किसी के भी बारे में पूछे, अगर मानक पासा की स्थिति बन रही है तो एक के विपरीत पूछेगा तो छः आएगा, दो के विपरीत पूछेगा तो पाँच आएगा और चार के विपरीत पूछेगा तो तीन आएगा। अब दोस्तों इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आइए सवालों के ऊपर चलते हैं। बस याद रखना है कि सामान्य पासे के अंदर
पास वाली दो फलक का योग क्या होता है? सात होता है, और जो मानक पासा होता है उसमें पास वाली दो फलक का योग सात ना होकर विपरीत फलक का योग क्या होता है? सात होता है। जैसे कि मैं एक स्थिति बना रहा हूं, तीन चार पांच। अब सबसे पहले चेक करके ये बताओ कि सामान्य पासा है या मानक पासा है। क्या पास वाली दो फलक का योग सात हो रहा है? तीन और चार कितना हो गया? सात हो गया। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? पहली बात तो मुझे पता लग गई कि ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा। अब आते हैं अगली बात के ऊपर। उसने मेरे से ये पूछा है कि बताओ पांच के विपरीत क्या होगा, पांच के विपरीत क्या होगा। अगर ये मानक पासा होता तो पांच के विपरीत क्या आ जाता? दो आ जाता। लेकिन ये सामान्य पासा बन रहा है। अब उसने मेरे से पूछा है कि पांच के विपरीत क्या होगा, तो पांच के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता वो चेक कर रहा हूं। तीन और चार तो इसके पास वाली फलक पर बैठे हुए हैं। पांच के पास वाली फलक पर कौन कौन सी संख्याएं बैठी हुई है? तीन और चार। इसका मतलब ये विपरीत तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये पास वाली फलक पर आ रहे हैं, तो ये विपरीत नहीं आ सकते। तो पांच के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता? एक तो तीन नहीं हो सकता, और एक क्या नहीं हो सकता? चार नहीं हो सकता। तो कौन सी संख्याएं बच गई? एक दो छः, एक दो छः। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं में से कोई सी भी संख्या जो हो सकती है किसके विपरीत? पांच के विपरीत। अब ये तीनों एक ही ऑप्शन में आएंगे तभी ये आंसर सही है। अगर ये तीनों संख्याएं एक ही ऑप्शन में आ रहा है इसका मतलब तब ये आंसर सही है, और अगर ये अलग अलग ऑप्शन में आ रहे हैं तब निर्धारित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अगर सही आंसर लगाना है तो ये तीनों एक ही ऑप्शन में आने चाहिए। अगर एक ऑप्शन में नहीं आ रहे इसका मतलब क्या है कि निर्धारित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। यहां पर एक सवाल और समझाता हूं। एक पासे की स्थिति दी हुई है दो तीन पांच। सबसे पहले ये चेक करके बताओ कि ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। अब मैंने यहां पर चेक किया कि ये पास वाली दो फलक का योग क्या हो रहा है? सात हो रहा है। पास वाली दो फलक का योग सात हो रहा है, इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है, सामान्य पासा है। अब मुझे ये चेक करना है कि तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा। तो तीन के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता? दो भी नहीं हो सकता और पांच भी नहीं हो सकता। तीन के विपरीत क्या नहीं हो सकता? दो भी नहीं हो सकता और पांच भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पास वाली फलक पर आ रहे हैं तो विपरीत फलक पर नहीं आ सकते। तब कौन कौन सी संख्याएं बच गई? एक चार छः, ये तीनों संख्याएं बच गई। तीन के विपरीत इन तीनों संख्याओं में से कोई सी भी एक संख्या हो सकती है, पर ये तीनों अगर स्थिति यही दे रखी है तो ये तीनों एक ही ऑप्शन में आएंगे तभी ये आंसर सही है। अगर अलग अलग दे रखा है तो फिर निर्धारित नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसके अंदर दो रूल लगते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर दो रूल हैं, अब उन रूल को समझते हैं। पहला रूल आता है इसके अंदर उभयनिष्ठ रूल, जिसको कॉमन रूल बोला जाता है, उभयनिष्ठ नियम, जिसको बोला जाता है कॉमन रूल। कॉमन का मतलब क्या होता है? कोई भी दो संख्याएं यदि कॉमन आ रही है या कोई भी एक संख्या कॉमन आ रही है, जैसे मैं यहां पर पासे की स्थितियां बना रहा हूं, ये दो पासे की स्थितियां दी हुई है, एक छः पांच लिखा हुआ है इधर तो, और इधर लिखा हुआ है छः पांच दो। ठीक है, अब ये उभयनिष्ठ रूल क्या होता है इसको समझते हैं। उभयनिष्ठ को बोला जाता है कॉमन रूल। ये दी हुई पासे की दो स्थितियों में, दी हुई पासे की दो स्थितियों में यदि कोई दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो, दी हुई पासे की दो स्थितियों में यदि कोई दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो, तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। तो यहां पर पांच और छह यहां भी है, क्या पांच और छह यहां भी आ रहा है? इधर से कौन सी संख्या बच गई? एक, और इधर से कौन सी संख्या बच गई? दो। इसका मतलब एक के विपरीत क्या हो गया? दो। यही आपका कॉमन रूल कहलाता है। कॉमन रूल या उभयनिष्ठ नियम क्या होता है कि दी हुई पासे की दो स्थितियों में यदि कोई दो संख्याएं कॉमन आ जाती है तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। जैसे कि अगले एग्जाम्पल से समझाता हूं।
ये पासे की दो स्थितियां दी हुई है, 4 6 3, 3 4 5। अब मुझे इसके अंदर उभयनिष्ठ नियम लगाना है। तो उभयनिष्ठ नियम क्या होता है कि दी हुई पासे की दो स्थितियों में यदि कोई दो संख्याएं उभयनिष्ठ आ रही हो तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो 3 4 यहां भी है क्या, 3 4 यहां भी आ रहा है, तो इधर से कौन सी संख्या बच गई, 6, और इधर से कौन सी संख्या बच गई, 5। इसका मतलब 6 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। ये उभयनिष्ठ नियम कहलाता है। दोस्तों आइए अगले नियम के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर एक लास्ट नियम और लगता है, इसके अंदर एक नियम और लगता है जिसका नाम है घूर्णन नियम। घूर्णन नियम जिसको बोला जाता है रोटेशन रूल। रोटेशन रूल, अब इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले मैं पासे की दो स्थितियां बना रहा हूं, पासे की दो स्थितियां बनी हुई है, यहां पर लिखा हुआ है 3 2 1, 1 4 6, 1 4 6। अब रोटेशन रूल क्या होता है, दी हुई पासे की दो स्थितियों में यदि कोई एक संख्या उभयनिष्ठ हो, ध्यान से सुनना, दी हुई पासे की दो स्थितियों में यदि कोई एक संख्या उभयनिष्ठ हो तो उस संख्या को बाहर स्थिर रखकर, अब एक यहां पर भी था और एक यहां पर भी था, तो मैंने एक को बाहर स्थिर रख लिया, तो उस संख्या को बाहर स्थिर रखकर बची हुई संख्याओं को घड़ी की दिशा में या फिर दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देते हैं। तो एक को मैंने बाहर फिक्स रख लिया, अब दक्षिणावर्त दिशा में इसको घुमाना है या घड़ी की दिशा में घुमाना है, तो घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे ही तो घूमती है, तो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। तो पहले कौन सी संख्या आएगी, 3, फिर कौन सी संख्या आएगी, 2। यहां पर एक था तो इसको मैंने बाहर फिक्स रख लिया, अब इसको मैंने घुमाया घड़ी की दिशा में, तो पहले कौन सी संख्या आएगी, 6, उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 4। जो संख्या पहले आएगी इसको पहले रखना है, जो संख्या बाद में आएगी इसको बाद में रखना है। इसका मतलब 3 के विपरीत क्या हो गया, 6, 2 के विपरीत क्या हो गया, 4, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कौन सी संख्या बच गई, 5 ही तो बची है। इसका मतलब 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4, और 1 के विपरीत 5। आइए दोस्तों इसको अगले एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल और बताता हूं, यहां पर दो पासे की स्थितियां दी हुई है, 3 6 5 5 4 2, ठीक है। अब यहां पर ये कौन सा पासा बन रहा है, सबसे पहले पासा चेक करो, मानक पासा है या सामान्य पासा है। यहां पर कहीं योग साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहां पर कहीं योग साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो रहा है कहां पर, 5 और 2 7। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है, सामान्य पासा है। अब सामान्य पासा है इसका मतलब मुझे क्या लगाना है, अब यहां क्या मैं उभयनिष्ठ रूल लगा सकता हूं क्या, यहां पर कोई दो संख्याएं को मना रही है क्या, मैंने देखा यहां पर एक ही संख्या को मना रही है, कौन सी, 5 वाली, 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, दो संख्याएं को मनाती तो कौन सा रूल लगाता, उभयनिष्ठ। पर यहां पर एक संख्या को मना रही है, इसका मतलब मैं गुणन नियम लगा रहा हूं, और गुणन नियम क्या होता है कि दी हुई पासे की दो स्थितियों में यदि कोई एक संख्या उभयनिष्ठ हो तो बची हुई संख्याओं को घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। तो यहां पर 5 मैंने स्थिर रख लिया, इसको घड़ी की दिशा में घुमाए तो पहले कौन सी संख्या आएगी, 6, उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 3। 5 मैंने बाहर स्थिर रख लिया, इसको घड़ी की दिशा में घुमाया तो पहले कौन सी संख्या आएगी, 4, और फिर कौन सी संख्या आएगी, 2। इसका मतलब 6 के विपरीत क्या हो गया, 4, 3 के विपरीत क्या हो गया, 2। अब कौन सी संख्या बच गई, 1 बच गई, तो 5 के विपरीत क्या हो गया, 1। अब जिसके भी बारे में मेरे से पूछेगा उसको मैं क्या करूंगा, आंसर कर दूंगा, 5 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 4, और 3 के विपरीत 2। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30 5 बजे तक, फिर रात की 2:30 बजे तक, देखने के बाद चलो बाद में टाइम हो गया।
वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक शानदार तालियां लौटी से पूरा कपड़ा उस पानी में डालना जबरदस्त उसका सांस घुटने लगा वो ऊपर उठना चाह रहा था गुरु ने वो जोर से दबा दिया उसने पूरा जोर लगा दिया और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा गुरुजी ये आपने क्या किया मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो वो फीलिंग वो एफर्ट वो आप उसमें लगाओगे वो शिद्दत है और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ आपके लिए